अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ समरा और ये मेरा चैनल है लाइफ विद समरा। नाम तो देख लिया होगा और सबने मेरा टाइटल भी पढ़ लिया होगा। तो आज मैं सीखने लगी हूँ बिरयानी, और बिरयानी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेयर्स वाली, वो बनाना सीखेंगे। चिकन जो है वो मैंने धो के रख लिया है, और साथ साथ मामा मुझे बताएंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी बिरयानी चावल नहीं आते मुझे बनाने इतने अच्छे। बिरयानी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आती है। पुलाव शुलाव थोड़ा सा फिर भी आ गया है, लेकिन मुझे बिरयानी नहीं आती है, तो वो मम्मा साथ साथ गाइड करेंगी। तो हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जी हम चावल हैं, चावल को नाप लेंगे क्योंकि हमने 1.5 किलो के हिसाब से बिरयानी बनानी है, इससे ज़्यादा नहीं बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको नाप लेते हैं। ये डब्बा जी किलो के हिसाब से है, तो इस पर पहले हम डालते इसको जल्दी से मैं गिरा दूँगी। और जो मेरे काम हैं नहीं नो सारे धो दो, सारे भी धो दो, एक मिनट नाप लूँ ना, नाप दिए मैंने बहुत अच्छे से नाप लिए मैंने, ज़्यादा ही चावल 1.25 किलो है। कोई हमने सारे बनाने, हमने सारे ही बनाने हैं जी। चावल जो हैं ये साफ़ ही आते हैं, इनमें कुछ इतना केमिकल शैम्पू कुछ नहीं होता है, उनको इतना ज़्यादा साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक नज़र हमने देख लेना है क्योंकि इसमें फिर भी कुछ ना कुछ अगर कोई कंकर शंकर हो तो वो निकल आए, और इसमें ऐसे करके छांट लेना। वाह, कुछ तो आता है, मुझे इतनी भी निकम्मी जितना मुझे तुमने समझा हुआ है। चावल साफ हैं बिल्कुल, डन। और मामा भी किचन में आ गई हैं, वो बर्तन धो रही हैं चाय वाली। अभी हमने चाय शाय पी थी मड़ा, और अभी हम चावलों को भिगोएंगे। और चावल जो है वो मैंने अच्छे से छांट लिए हैं, इनमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ थे। और इसके बाद इनको ये बड़ा वाला जो है बिक्चा इस पर करेंगे। और भले जी वॉश करते हैं, तो मैं वॉश करके वापस आती हूँ। एक दिन मेरा कैमरा ब्लर हो गया, क्या मसला इसको। और इसमें भी हम डालेंगे 2-3 चम्मच भर भर के घी के। हम ऑयल में नहीं बनाते क्योंकि ऑयल का टेस्ट हम घर में कोई पसंद नहीं करता, ऑयल में बना हुआ खाना वो कहते टेस्ट ही नहीं आता, बहुत लाइट लाइट सा खाना जो है वो फील होता है। तो इसलिए हम लोग बनाते हैं घी में खाना। और अभी सर्दी है, सर्दी की वजह से ये इतना ज़्यादा जम गया हुआ है। मामा ये देखें, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने लिए हैं, और उनको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया, जिस तरह हम पुलाव वगैरह के लिए कट करते हैं उस तरह से कट कर लेना है। और ये भी हम कोरमे की तैयारी करें क्योंकि इसका कोरमा बनेगा। जो है वो हमारा गर्म हो चुका है घी, इसमें हम डाल देंगे प्याज, और प्याजों को डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बस लाइट सा ब्राउन सा करेंगे हम लोग। गोल्डन गोल्डन से जी। और ये है जी मसाले जिसका हमने बनाना है कोरमा। ये सारे मसाले हैं जो इसके कोरमे में, जो चिकन का कोरमा बनेगा ना उसमें जाएंगे। कड़ी पत्ता 3 से 4 लौंग, और ये 3 बड़े बड़े वो थे दालचीनी के टुकड़े थे, मैंने उन्हें तोड़ लिया। और ये 3-4 ही बादियान के फूल थे, 2-3 थे बल्कि, और ये टूटे हुए थे इसलिए इस तरह। और ये 1 चम्मच भर के नमक, और 1 टेबल स्पून ये जो है दड़ा मिर्च का, बस ये इसमें मसाले जाएंगे। चावल जो हैं वो सोक किए थे, अब इनकी बारी है बॉयल होने की, तो इन्हें बॉयल होने रखते हैं। और यहाँ पे हो गई है जी मुझसे एक गलती, मैंने जो है वो आंच हल्की कर दी थी। जो प्याज है वो मम्मा कहती हैं सही से टूटने लग गया है, जो उनकी लैंग्वेज है वो कहती हैं खुरने लग गया है, वो जो पंजाबी में कहती हैं, तो जैसे मेल्ट होता है ना खुरना, तो उसे कहते हैं घुलने लग गया है। तो वो घोलना नहीं था, वो खड़ा खड़ा जो प्याज होता है बस उस तरह का रखना था, और वो गलती मुझसे हो गई है। और प्याज जी अभी तक हमारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हो जा रहे, अरे हो जा रहे। और इधर साथ पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और साथ में चावलों के लिए, और मैं चावल ऐसे बीच में फेंकने लगी थी, पानी भी बॉयल भी नहीं हुआ था। और ये है जी 3-4 टमाटर, ये छोटे थे आई थिंक, टमाटर साइज से पता चल ही रहा होगा, अगर बड़े हैं तो 3 हैं, छोटे हैं तो 4 ले लें, 3 से 4। और ये है 3 से 4 ही हरी मिर्चें, ये तो इतनी डलेंगी, हल्का सा वो नहीं। अब इसमें जी मसाला ये वो मुझे चम्मच दे दें,
दो चम्मच ना? नहीं, ये सारा डलेगा। ये सारा डलेगा। ये कितना है? ये इतना है अंदाजन। ये मुझे नहीं पता कितने चम्मच बनेंगे, 3 से 4 चम्मच बनेंगे। डाल दूं इसमें के थोड़ी देर में? हैं? डाल दूं? पक्का? मैंने कहा पूछ लूं पता चले कि फिर मैंने कुछ कारनामा सर अंजाम दे दिया। दे दिया, प्याज जल गया। हाँ, कौन सी वाली? जो मैंने बनाई थी, ले। मैं समझू मेरी तारीफें कर रही हैं, वो अपनी तारीफें खुद कर रही हैं। नहीं सही है मम्मा, मम्मा अपनी तारीफें कर रही हैं भाई। मैंने भी दाल बनाई थी दो दफ़ा, एक दफ़ा मैंने मसूर बनाए थे और एक दफ़ा मैंने क्या बनाई थी, वो मसूर दाल ही बनाई थी, और मम्मा ने एक दिन में दाल बनाई थी। तो मम्मा अपनी तारीफ़ें कर रही हैं कि वो दाल कितने मज़े की बनी थी ना, 2-3 दिन पहले बनाई थी। पक्का? हाँ, वो भूल जाता है। मैंने कहा छोटा छोटा चम्मच से कर दूँ, और ऐसा कभी कभी हो जाता है। इट्स ओके। आँच तेज करो। आँच तेज कर दूँ, और अंदाज़ा लगा लिया होगा सबने, मुझे कुकिंग नहीं आती है, सीख रही हूँ भाई। अमनू ये हमारे शश के, ये 2 किलो का पूरा एक चिकन है, क्योंकि हम लोग खाने वाले ज़्यादा हैं माशाल्लाह, तो इसलिए हम लोग पूरा चिकन डालेंगे, चावल भी ज़्यादा हैं। और अब इसमें जाएगा मैं डाल देती हूँ। चिकन डालें आप? मामा चिकन डाल यार। अभी जितनी देर में चिकन फ्राई होगा ना, मैं वो दही में वो मसाला मिक्स कर लूँगी। ठीक है, है इतना दही, और इसमें मैं डालने लगी ये शान का जो है मसाला, बिरयानी मसाला। घर के मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शान का जो है ना, बहुत ही मज़े का होता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। कैमरा किधर चला गया? कैमरा बने का पता नहीं किधर चला गया। और ये हमारा मसाला तड़ा चिकन, मैंने कारनामा सर अंजाम दे दिया। वाह, यही उम्मीद थी मुझसे। कोई बात नहीं यार, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और ये जल गया हाथ भी थोड़ा सा, यहाँ से भाप पड़ गई है, बट खैर बचत हो गई, नहीं तो मेरा हाथ जल जाना था बहुत बुरा। नीचे नहीं ना लग रहा, आपसे लग रहा था ये बात है कि तो मैं छोटी भी तो हूँ ना। मैं छोटी भी तो हूँ। हाँ आ गया, चलो। लेकिन उस टाइम कम था घी, और इसमें नमक डाला है, और अभी 2-3 चम्मच इसमें नमक डाल दिया और घी भी डाल दिया। अब इसमें चावल बॉईल करते हैं। नमक जो था वो मैंने लेके चिकन में डाल दिया था, क्योंकि वो पहले डलना था, और अब ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये डालें। चलो अभी टमाटर डालो, और हरी मिर्च, बचपन टमाटर और हरी मिर्च भी हमने डाल दिया। इसको 5 मिनट बुनाई करने के बाद ना वो दही डाल देते। ठीक है, टमाटर गल जाए ना बस। चिकन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, और अब बारी आती है दही डालने की, तो हम इसमें ये डालते हैं। इसको ना मैं सारे को स्पैचुला से निकालती हूँ, ऐसे। हाँ ऐसे पकड़ो। और ये मैं मामा को बता रही थी, मामा कहती मैं पकड़ती हूँ कैमरा, क्योंकि मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो ख़राब हो गया है, उस पर ना कुछ भी टिक नहीं रहा, तो स्पैचुला से ना इसको बस इस तरह से ऐसे इकट्ठा करके ना, इतना ज़्यादा है, इसको हम वेस्ट तो नहीं कर सकते ना,
तो ऐसे इसको सारे को निकाल लेंगे अच्छे से, ठीक है। इसको हमने वेस्ट नहीं करना, अरे इसका इतना ज़्यादा इसको क्यों वेस्ट किया जाए, बस ये बात है, कोई कंजूसी वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जो मामा ने बताया इसमें तो दही जितना डले उतना कम होता है, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने बाउल को साफ कर लिया। इतनी टेक्निक्स तो मुझे आती हैं किचन की। बस इमली फ्रीज हुई हुई पड़ी हुई थी, इमली की चटनी है, नहीं गुठलियाँ हैं, चटनी नहीं है, बस उसकी प्यूरी सी है, और ये बनेगी हमारी चटपटी सी बिरयानी। इसमें 2 चम्मच डलेंगे, तो सारी फ्रीज हुई हुई है मामा, जो गुठलियों गुठलियों वाली लेंगे ना वो डालें, गुठलियों गुठलियों वाली ले लेंगे इसी तरह। इस तरह मैंने की थी ये, हाँ डाल और डाल। बस थोड़ी सी और डाल दो, छुट्टी नहीं बनी, गले खराब होंगे। मैंने मुझे बताया कि ये देखो चावल हल्के से जब बॉईल हो जाए ना, दम वाले हो जाए, हल्के से ना एजेस से मुड़ जाते हैं, तो तब वो बॉईल हो जाते हैं। और ये कोरमा जो है हमारा बिल्कुल तैयार है, अब बस चावल जो है वो बिल्कुल गल गया, बराबर बराबर हो गया कोरमे वाला, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, काश मुझे भी ऐसा बनाना आ जाए। एक तो चटपटा बनाए थे मज़े का, स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है बिरयानी खाने में, डाल दो थोड़ी सी पीछे। नहीं 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 बिल्कुल ठीक है, सालन जैसे इसका टेस्ट हो बिरयानी में अच्छा था। हाँ ये ठीक है, ठीक है चलो। और ये हैं जी चावल, मामा इस तरह स्ट्रेनर से डालेंगी, इसमें भी पहले थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल 2 चम्मच, वो खाने वाले चम्मच जो होते हैं उसके हिसाब से घी इसमें थोड़ा सा डाला है। और ये जाएगी फर्स्ट लेयर, और इसका कोरमे का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ड्राई हो जाएगा तो फिर इसमें डाल देंगे। ये है लीमू और पुदीना टेस्ट के लिए।
पहले भी डालना था, तू नहीं डालो। खैरे पहले भी डालना तो हम भूल गए, कोई नहीं। अभी कलर की बारी आ गई, वो पहले नहीं डालना था। नहीं देखो तुमने कुछ भूल दिया। मैंने सारा कुछ भूल दिया। मैं जिस दिन बनाऊंगी उस दिन सब कुछ भूल जाऊंगी। हमारी मज़ेदार बिरयानी, इतने मज़े की ये बनी है ना। तो होप सो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि इस तरह के अगर और व्लॉग्स भी आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह की लाइव व्लॉगिंग करके बनाऊँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।